अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है cos x टू द वाई, cos x टू द पावर वाई एंड cos एंड cos y टू द पावर x। तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर मुझे u और v सब्स्टिट्यूशन करके अलग से करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर दोनों साइड log लिया तो वो पावर जो है वो बाहर आ जाएगा बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूँगा टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा cos x log cos x टू द पावर y इज इक्वल टू log cos y टू द पावर x। तो पावर्स सामने आ जाएगा, तो ये बनेगा y log cos x इज इक्वल टू x log cos y, ये हुआ। अब जैसे ही ये आया, डिफ्रेंशिएट करते हुए विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है ये और राइट हैंड साइड में भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा y डी डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू x डी डी एक्स ऑफ log cos y प्लस log cos y डी डी एक्स ऑफ x। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y log cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, log x का डिफ्रेंशिएशन है 1 बाई x, तो log cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 डिवाइड बाई cos x। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ये log log के अंदर x नहीं है, log के अंदर cos x है, तो मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा cos x को, तो ये आ जाएगा प्लस फिर क्या होगा log cos x और डिफ्रेंशिएशन y कितना होता है dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा सेम तरीके से 1 डिवाइड बाई cos y देन डी डी एक्स ऑफ cos y, ठीक है। अब प्लस डिफरेंशियल x मुझे पता है वो तो 1 होता है, तो ये बन गया log cos y, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लिया, अब cos x का डिफरेंशियल क्या होता है ना, मुझे पता है cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है, और ये नीचे क्या रहा cos x, और यहाँ पर ये तो वैसे ही रहेगा log cos x dy dx इज इक्वल टू, नाउ cos y का डिफरेंशिएशन x माइनस साइन y डिवाइड बाई cos y, लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं है, यहाँ पर dy dx भी है, क्योंकि वो x नहीं y है, तो log cos y। अब सारा dy dx टर्म्स को एक साइड, तो ये बन गया तुम्हारा log x log cos x dy dx, ये देखो माइनस है साइन वाई, ये माइनस है तो माइनस इधर गया तो ये प्लस हो जाएगा, और साइन वाई बाई कॉस वाई कितना होता है टेन वाई होता है, तो इसको मैं लिखूँगा प्लस एक्स टेन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है लॉग कॉस वाई, और फिर से अब इस टर्म को ये इस टर्म को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डी वाई डी एक्स नहीं है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला है टेन एक्स, तो प्लस y tan x, तो यहाँ से dy dx अगर कॉमन लिया तो dy dx अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, देयरफोर dy dx विल बिकम log cos y प्लस y tan x डिवाइड बाय log cos x प्लस x tan y, ओके। तो ऐसे करके करते हैं, ठीक है, देख लेना। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है। 15 एज अ होमवर्क को ट्राई कर लेना, वहां पर फिर से हम लोग दोनों साइड अगर log ले लेंगे तो ये बन जाएगा log x y, और इधर बन जाएगा log e टू द पावर x माइनस वाई, तो log x y इसको तो मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ log x प्लस log y करके, एंड देन e log e, जब ये हमेशा याद रखना log, पहले तो बात ये जो पावर x माइनस वाई है ये आगे आ जाएगा, और ये log e है, तो मैंने क्या बोला जब कैलकुलस कर रहे हैं और नीचे में बेस में कुछ नहीं है तो उसका मतलब बेस में e है,
और जब बेस और ये दोनों सेम होता है तभी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आई होप तुम लोग सभी को आता है, तो ये कर लेना। अच्छा नेक्स्ट जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16। तो मुझे बोला है फाइंड द डेरिवेटिव गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हेंस फाइंड एफ डैश 1। तो क्वेश्चन में कुछ जो बोला है वो है एक फंक्शन दिया हुआ है और मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले तो वो फंक्शन को लिख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस x, 1 प्लस x² 1 प्लस x^4, 1 प्लस x^8। तो ये फंक्शन है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेनी टर्म्स। तो मैंने क्या बोला था, लॉग हम लोग तभी यूज़ करेंगे जब बहुत सारा टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, या तो बहुत सारा प्रोडक्ट्स का कोशेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारा टर्म्स का कोशेंट या प्रोडक्ट होगा, और या तो पावर में कभी वेरिएबल होगा। तो ये तीन केसेस में हम लोग जनरली लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारा टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग लॉग यूज़ करेंगे। तो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, log f x, उसके बाद log 1 प्लस x, 1 प्लस x² 1 प्लस x^4, 1 प्लस x^8। तो ये हो गया, तो log f x। अब ये जो मैंने log लिखा है राइट हैंड साइड में, तो वो तो सारा एक एक करके सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो तो प्रोडक्ट है। log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस x^4 प्लस लॉग 1 प्लस x^8। ये सेपरेट हो गया, कैसे, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, दैट इज लॉग a इंटू बी इज नथिंग बट लॉग a प्लस लॉग b। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई fx, log x का होता है 1 बाई x, तो log fx का होगा 1 बाई fx ddx ऑफ, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx, इधर होगा 1 बाई 1 प्लस x, देन ddx ऑफ 1 प्लस x होगा, फिर यहां होगा 1 बाई 1 प्लस x² देन ddx ऑफ 1 प्लस x², फिर आएगा 1 बाई 1 प्लस x^4 देन ddx ऑफ 1 प्लस x^4 देन आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x^8 देन ddx ऑफ 1 प्लस x^8, ठीक है। तो एक चीज नोट करो कि फंक्शन में क्या होता है, अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इज रिटन एज लाइक दिस, तो उसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। कोई फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन को हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। अब एक एक करके मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये तो 1 प्लस एक्स हो गया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स, ये 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0, और इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन गया 1, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस 1 बाई 1 प्लस x², यहाँ पर क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसीलिए ये बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x^4, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x^4 का डिफरेंशिएशन 4x³, पावर सामने आ जाएगा और x का पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, देन प्लस 1 बाई 1 प्लस x^8, देन इसका डिफरेंशिएशन होता है 8x^7। तो ऐसा कुछ आया, तो यहाँ से मुझे एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स 1 बाई 1 प्लस x प्लस 2x बाई 1 प्लस x² प्लस 4x³ बाई 1 प्लस x^4
प्लस 8x^7 बाई 1+x^8। तो और एफ एक्स का वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 1+x, 1+x^2, 1+x^4, 1+x^8, 1/1+x प्लस 2x/1+x^2 प्लस 4x³/1+x^4 प्लस 8x^7/1+x^8। तो ये है तुम्हारा वैल्यूज। तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स निकल चुका है, यहीं तक ही छोड़ दो, दैट्स इट। इसके बाद और करने का जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट पोर्शन में क्या बोला है, फाइंड एफ डैश वन। तो तुम्हें एफ डैश वन का वैल्यू निकालना है, तो निकालते एफ डैश वन का वैल्यू। तो एफ डैश वन कितना हो जाएगा? तो एफ डैश एक्स ये पूरा है, दिस इज योर एफ डैश एक्स। तो एफ डैश वन क्या है? एफ डैश वन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो एक्स की जगह पे वन पुट कर दो। तो 1+1, 1+1² वो भी 1, 1+1^4 वो भी 1, 1+1 और ये 1+1 प्लस 2/1+1 प्लस 4/1+1 प्लस 8/1+1। तो ऐसा कुछ हुआ। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो बाहर में ये 16 हो गया और अंदर में ये 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, तो ये लगभग आ रहा है 16 × 4, 5, 6, 7, 7 इट्स कमिंग आउट टू बी 15/2 आ रहा है। और ये 2 और ये 8 गया, तो 8 × 1 = 8, 40, तो इसका आंसर है 120। तो तुम्हारा एफ डैश वाट का जो वैल्यू है वो है 120। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, डिफरेंशिएट x³ - 5x + 8, x³ + 7x + 9 इन 3 वेज मेंशन बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल करने से यहाँ पर दो फैक्टर्स है, इन ये दो अलग अलग है, तो दीज आर द टू टर्म्स। हाँ, मुझे एक टर्म में तीन टर्म्स है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है। तो पहला वाला टर्म को ऐसे करके बाहर लिखेंगे x³ - 5x + 8 और डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वाला टर्म को x³ + 7x + 9, फिर दूसरे वाला टर्म को बाहर निकालेंगे x³ + 7x + 9 और फिर डिफरेंशिएट करूंगा पहला वाला टर्म को ddx(x³ - 5x + 8। तो इसको कंप्लीट कर लेना बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फिर बोला है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है, एक्सपेंडिंग का मतलब है कि इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो x³ फिर x³ + 7x + 9 फिर -5x फिर होगा x³ + 7x + 9 फिर होगा +8x³ + 7x + 9। तो पहले तुम सारा मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके बाद जाके तुम डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर डायरेक्टली तुमने प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पहले मल्टीप्लाई किया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन में मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके मैं डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो पहले तो इसको ले लेना, लेट y इज इक्वल टू, इसको y इज इक्वल टू करके कर लेना। फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला है। अच्छा, लॉगरिथमिक वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, x²-5x + 8 लेट y इज इक्वल टू x²-5x + 8 और दूसरा क्या बोला है, x³ + 7x + 9। तो लॉगरिथमिक बोला है, तो लॉगरिथमिक क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x²-5x + 8, x³ + 7x + 9। अब लॉग लेने से तो दोनों सेपरेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग x²-5x + 8 प्लस लॉग x³ + 7x + 9। नाउ लॉग y इज इक्वल टू, अच्छा अब तो डिफरेंशिएट करेंगे, अब और लॉग लिखने का जरूरत नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का जो डिफरेंशिएशन है वो बन जाएगा 1/y dy/dx, ये हो जाएगा 1/x²-5x + 8, देन ddx(x²-5x + 8) ये बनेगा प्लस
वन डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। तो ऐसे करके करते हैं। तो अब पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। अच्छा यही साइड में कर लेता हूँ मैं, आई विल बी डूइंग दिस साइड। सो व्हाट वी हैव इज देयरफॉर डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, वाई को उस साइड में पुश कर देंगे। तो वाई और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स और माइनस फाइव का, फाइव एक्स का माइनस फाइव। तो ये हो गया टू एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, देन प्लस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन थ्री एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स का प्लस सेवन। तो ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ओके, और वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट और x क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। तो ये है तुम्हारा y का वैल्यू, और जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। अब एक चीज़ नोट करो, अगर अगर मैं इसके साथ इसको मल्टी, अब तो ये ब्रैकेट में अगर लिखने के बाद इसके साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो ये कट जाएगा और बचेगा क्या मेरा 2x माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन ये दोनों कट जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये होगा एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स, सॉरी ये तो नहीं होगा, ये तो कट जाएगा, होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट। ओके, तो चेक करना कि तीनों जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेम ही आएगा। हाँ, यहाँ पर ये जो सेकंड वाला में है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि वो तो तुम एक्सपैंड करके करोगे, लेकिन तीनों का सेम ही आएगा। तो वो सेकंड वाला का करने के बाद कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही छोड़ देना है डिफरेंशिएट करके। लेकिन वो जो पावर, सपोज एक एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब, ये सब टर्म्स को जोड़ के फाइव एक्स क्यूब करके सिमिलर पावर का टर्म्स को एक साथ करके लिखना है फॉर क्वेश्चन नंबर टू। ओके, चलो बाय।